दोस्तों, इंडियन आर्मी ने और एक नया वैकेंसी निकाल लिया है जिसका पोस्ट नेम, साथ में आप कब से कब तक इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, साथ में सिलेक्शन प्रोसेस, हाउ टू अप्लाई, एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होने वाला है, सारी डिटेल्स इस वीडियो में आप जान पाओगे, जिसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सब दोस्तों के लिए, जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब दोस्तों के लिए मैं बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जॉब वाला 360 यूट्यूब चैनल में जाकर। जैसे कि आप इस समय आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूट्यूब की सर्च बार में आपको जॉब वाला 360 लिखने के बाद सर्च करना पड़ेगा, करने के बाद आपको सब्सक्राइब करना है ताकि वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को दोस्तों दबाना मत भूले। तो दोस्तों और एक बार मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा उन सब दोस्तों के लिए जो चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है। तो दोस्तों चलिए आज का डिटेल्स देख लेते हैं। तो डिटेल्स देखने के लिए मुझे इस पेज को नीचे जाना पड़ेगा। तो दोस्तों नीचे जाने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिखने में मिल जाएगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि इंडियन आर्मी सोल्डर जीडी पोस्ट के लिए जिसका एग्ज़ाम सिलेबस। तो दोस्तों इस बॉक्स में आपको रिक्रूटमेंट की सारी जानकारी मिल जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेम ऑफ द एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी बोर्ड की तरफ से जो जो रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है इंडियन आर्मी, जैसे कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था आपको, इंडियन आर्मी की बोर्ड की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को छोड़ा गया है। नेम ऑफ द डिजिग्नेशन जो कि शोल्डर जीडी पोस्ट के लिए निकाला गया है। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अभी तक एप्लीकेशन का भरपाई का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, कब से कब तक कर पाएंगे वो भी आप देख पा रहे हैं। साथ में अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जिसलिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक मिल जाएगा, आप घर बैठे ही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे उस लिंक में जाकर। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे जाने के बाद कुछ दोस्त यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स आपको दिखने में मिल जाएगा, जैसे कि एप्लीकेशन फॉर द स्टार्टिंग रिक्रूटमेंट डेट जो कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, बस आज का डेट देखा जाए तो मार्च 31 तारीख है आज का, आज मार्च 31 तारीख है, अप्रैल 4 तारीख से ही, यानी कि आपके हाथों में 4 दिन के बाद ही इस पोस्ट के लिए ऑफिशियली एप्लीकेशन का भरपाई का काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बहुत जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसीज अभी तक नहीं कहा गया है, वैकेंसीज अभी भी सस्पेंस है दोस्तों। तो अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वैकेंसीज बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, जिसलिए मेरा कहना यही है आप जल्द से जल्द इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर दीजिएगा। साथ में अगर एंडिंग डेट की देखा जाए तो एप्लीकेशन फॉर द वैकेंसीज 2019 जिसका मई दोस्तों 2019 5/18 तारीख है, यानी कि मई मंथ में 18 तारीख का लास्ट डेट है इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने का ऑफिशियली। साथ में देखा जाए तो मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि आपको इस पोस्ट के लिए कैसे चुना जाएगा ये भी देखा जाए तो, सबसे पहले एक रिटन एग्ज़ाम होगा, रिटन टेस्ट के बाद जिसमें इसके लिए जो कैंडिडेट्स को सिलेक्शन किया जाएगा, उसके लिए मेडिकल एग्जामिनेशन होने के बाद आपको इस पोस्ट के लिए चुने जाएगा। तो दोस्तों इसके बाद और कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वर्क ऑफ लोकेशन की बात किया जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अक्रॉस इंडिया, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए और एक बड़ा बात है, ठीक है, बड़ा खुशखबरी आप बोल सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया की मतलब इंडिया की जो हर कोई भी लोकेशन से इंडिया के आपको इंडियन होना है, यही आपका क्वालिफिकेशन आप बोल सकते हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया की मतलब इंडिया की आप कहीं से भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे इंडियन आर्मी की रिक्रूटमेंट में। साथ में ऑफिशियल वेब पोर्टल जो आप इस समय आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप यहाँ से डायरेक्ट नहीं जा सकते, जिसलिए आपको कोई तकलीफ ना हो, इसलिए मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक को, आप वहाँ से जाके प्रेस कर सकते हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पर सीधे आ सकते हैं। इसके बाद कैटेगरी ऑफ जॉब जो कि इंडिया, यानी कि इसका मतलब सेम है, इंडिया की कोई भी कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो वैकेंसीज आपको बता देते हैं, वैकेंसीज अभी भी डिक्लेयर नहीं किया गया है, डिक्लेयर करते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दी जाएगी। तो दोस्तों मेरा कहना यही है इस स्ट्रीम में आप बोल से मैं मेरा कहना यही है, स्ट्रीम में जो भी आप दोस्तों ने इंटरेस्ट हो
जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है। कि मैंने देखा है कि ऐसा होता है कि लास्ट की डेट में क्या होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई तो करना चाहते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लास्ट की डेट में क्या होता है कि वैकेंसीज बहुत अगर ज़्यादा हो जाए तो सर्वर डाउन हो जाता है, जिसलिए बहुत सारे कैंडिडेट्स अप्लाई करने का इच्छा होते भी अप्लाई नहीं कर पाते। तो मेरा कहना ये है, आप में से जो भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं बहुत जल्दी अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों देखते हैं, और एक बात मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, इस समय आप जो पेज देख रहे हैं वो jobsondan.com का एक पेज में ओपन करके सारी डिटेल्स आपको बता रहा हूँ, इस समय आप लोगो देख सकते हैं, ठीक है। jobsondan.com का लोगो यहाँ पर इस पेज का थ्रू से ही आपको सारी डिटेल्स आपको बताया जा रहा है। आप अगर इस पेज में आना चाहते हैं सीधे, पेज का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके भी सीधे इस पेज पर आ सकते हैं। दोस्तों रिक्रूटमेंट साथ में और कुछ डिटेल्स, आशा करते हैं सारी डिटेल्स आपको बता पाया हूँ, आपको समझा पाया हूँ। फिर भी आपको कोई और कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अगर चाहिए आप कमेंट सेशन में भी बता सकते हैं, रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। साथ में अगर आप और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आपको आप खुद भी देख सकते हैं, जिसलिए आपको पेज में लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके भी ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं सरकारी वेबसाइट की जिम्मे वेबसाइट के द्वारा। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो इंडियन आर्मी सोल्डर GD जो पोस्ट है, रिटर्न एग्ज़ाम सिलेबस कैसा होने वाला है यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं। द रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफ द इंडियन आर्मी हैज़ इशूड ए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर्म, इट इज़ ऑथोराइज्ड वेब पोर्टल। और कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा, मैं भी जिसलिए पेज को स्क्रॉल कर रहा हूँ। ज़्यादा बातें करने से क्या होगा कि वीडियो बहुत ड्यूरेशन बहुत बढ़ जाएगा, जिसलिए आपको हो सकता है कि बोरिंग भी लग जाए वीडियो देखने में। तो इस वीडियो को मैं बोरिंग नहीं करना चाहता इस वीडियो को मैं बोरिंग नहीं करना चाहता हूँ, जिसलिए आप वीडियो को जितना भी ड्यूरेशन हो आप देख लीजिए। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताना बाकी रह गया है। इंडियन आर्मी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इंडियन आर्मी जो पोस्ट है एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है यहाँ पर कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैं मार्क कर देता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिटेल्स देख पा रहे हैं, द एग्ज़ाम टेकर्स हैव टू परफॉर्म इंडियन आर्मी सोल्डर GD एग्ज़ाम पैटर्न 219 विल इन द एग्ज़ाम टू गेट ए जॉब। इसके बाद एस वी ऑल नो दैट विदाउट हैविंग कंप्लीट नॉलेज अबाउट द एग्ज़ाम सिलेबस ऑन द कैन स्कोर, साथ में मैक्सिमम मार्क्स बिसाइड द कंपटीशन लेवल विल बी वेरी हाइट। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो का, इस रिक्रूटमेंट का जो भी डिटेल्स है, जो भी महत्वपूर्ण विषय है, आपको वही मैं बताने का कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी दोस्तों एक मिनट, यहाँ पर आप देख सकते हैं जनरल नॉलेज रहने वाला है, साथ में जनरल साइंस और मैथमेटिक्स, ये सब सब्जेक्ट आपको रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप क्लिक भी करके देख सकते हैं जनरल नॉलेज को, साथ में जनरल साइंस और मैथ को ओपन करके थोड़ी डेमो यहाँ पर सिलेक्शन किया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आज का इसको भी आपको दिखाऊंगा, देखते और कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पर और कुछ नीचे जाते हैं, यहाँ पर मोर अपडेट्स और भी कुछ डिटेल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लिक हेयर ऑप्शन में जाके आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं इस समय देख पा रहा हूँ आपको बता दिया जाए कि इंडियन आर्मी सोल्डर जो GD का पोस्ट है, सिलेबस PDF के थ्रू से भी आप यहाँ पर यहाँ से क्लिक हेयर ऑप्शन में जाके डाउनलोड करके देख सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स दिया हुआ है, एग्ज़ाम पैटर्न, टेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न, जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल डाउनलोड द PDF ऑफ इंडियन आर्मी सोल्डर GD पोस्ट है, एग्ज़ाम टेस्ट पेपर 219 एंड टेस्ट पैटर्न 219। सेकेंड नंबर पर जो हम देख रहे हैं, दे आर फोर चेक द सिलेबस प्रॉपरली टू नो ऑल द डिटेल्स अबाउट द एग्ज़ाम। और कुछ डिटेल्स आप यहाँ पर देख लीजिएगा। आज का और एक जो आपको बताना चाहूँगा, जिसमें जनरल नॉलेज आप यहाँ पर देख सकते हैं,
जनरल साइंस मैथ, आप यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिएगा पेज में आने के बाद। तो दोस्तों आज का वीडियो मैं यहाँ पर यही ख़त्म करने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन आपको अगर है वीडियो के कमेंट में, कमेंट के थ्रू से आपको आप बता सकते हैं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले और एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा, आप सबको कहा था कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तो अवश्य कीजिएगा, और ऐसी गवर्नमेंट जॉब रिलेटेड न्यूज़ सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बिल को दबाना मत भूले, ताकि वीडियो के अपडेट और नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। और मेरे जो दोस्तों ने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया, उन सब दोस्तों के लिए मैं और एक बार धन्यवाद कहना चाहूँगा। और दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर दबाना के, ताकि वीडियो के अपडेट नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलते रहे। ठीक है दोस्तों, अभी के लिए यही तक। इस विषय में और भी कुछ जानकारी प्राप्त होते ही आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से खबर दे दी जाएगी। दोस्तों इंडियन आर्मी ने और एक नया वैकेंसी निकाल लिया है।